हेलो दोस्तों, ये है Realme 9 5G। मेरे पास ये मेटियोर ब्लैक कलर में 4GB 64GB वेरिएंट है जो 16,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं इस फोन को हर एक एस्पेक्ट से टेस्ट करूंगा और क्योंकि ये फोन मैंने अपने पैसों से खरीदा है तो वीडियो को एंड तक देखने से आपको मेरी तरफ से Realme 9 5G के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बॉक्स कंटेंट कुछ इस टाइप से है। सबसे ऊपर स्मोक पीपीयू केस, एक सिम इजेक्टर टूल और बॉटम में टाइप सी केबल के साथ 18 वाट फास्ट चार्जर जो 16,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्लो चार्जर है। तो अब बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड की। फोन का फ्रेम और बैक दोनों प्लास्टिक है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल ग्लास बैक लगता है और इसमें प्लास्टिक या ग्लास का डिफरेंस बता पाना मुश्किल हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। फोन का बैक मैट फिनिश के साथ आता है तो स्क्रैच लगने के चांसेस कम हैं और ये 3D डिजाइन के साथ आता है जो डिफरेंट लाइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। बाकी बैक में लेफ्ट साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। कैमरा बम्प फोन में है लेकिन प्रोटेक्टिव केस लगाने के बाद इजीली कवर अप हो जाएगा। और बैक में सबसे नीचे रियलमी की ब्रांडिंग है। फोन के राइट साइड में पावर बटन पे ही फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट है जो काफी अच्छे से वर्क भी करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते क्योंकि 15 से 16,000 रुपए के बजट में 5G स्मार्टफोन बनाने के लिए ब्रांड्स को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। फोन के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट है जो डेफिनेटली 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले फोन के लिए अच्छा है। सिम स्लॉट के नीचे ही वॉल्यूम बटन की प्लेसमेंट है जिसको आप सिंगल हैंड से भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। और फोन के बॉटम में बेसिक सारी चीजें हैं, ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग पोर्ट और मेन स्पीकर। स्पीकर का आउटपुट ठीक ठाक है, प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। फोन का वेट 188 ग्राम है और फोन की थिकनेस 8.5 mm है। तो इस फोन में 5000mAh बैटरी देने के बाद भी रियलमी ने फोन का वेट और थिकनेस अच्छे से मेंटेन किया है। फुल HD प्लस पंच होल LCD डिस्प्ले है और आप डिस्प्ले की सारी डिटेल्स स्क्रीन पे देख सकते हो। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन और पिक्सल डेंसिटी अच्छी है तो आपको वीडियो प्लेबैक में अच्छी खासी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसमें वाइड वाइन L1 सपोर्ट मिलता है तो आप नेटफ्लिक्स पे मैक्सिमम पॉसिबल रेजोल्यूशन पे कंटेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो। 600 nits मैक्सिमम ब्राइटनेस है जो इंडोर यूज में तो परफेक्टली वर्क करती ही है, आउटडोर यूज में भी ये डिस्प्ले काफी ब्राइट है। इवन अगर आप इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। डिस्प्ले साइज 6.5 इंच है तो डेफिनेटली ये डबल हैंडेड फोन है। 90Hz अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है जिसको आप अपने यूज के अकॉर्डिंग मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी 90Hz रिफ्रेश रेट में ये फोन जरूरत से ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर है जो जाहिर सी बात है 5G प्रोसेसर है और जिसका Geekbench स्कोर कुछ ऐसा आता है। Dimensity 700 के कंपैरिजन में Dimensity 810 के Geekbench स्कोर में ठीक ठाक डिफरेंस है तो डेफिनेटली Dimensity 810 बेटर परफॉर्म करने वाला है क्योंकि Realme 9 5G की ऐप ओपनिंग स्पीड काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो डे टू डे यूज में आपको ऐप ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। BGMI में ये फोन ओनली 40fps ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट करता है तो एवरेज गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाकी BGMI वाले 60fps की वैल्यू तो जानते ही होंगे। करंटली ये फोन एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है। एंड्रॉइड 12 सपोर्ट फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू मिल सकता है। रियलमी UI वर्जन 2.0 मिलता है, इसमें स्मूथ UI है, काफी सारे यूजफुल फीचर्स भी मिलते हैं जैसे डार्क मोड, आई कंफर्ट, वन हैंडेड मोड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो फुल HD रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड होती है। और इस UI को आप डिफरेंट टाइप से कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेकिन इस UI में भर भर के थर्ड पार्टी एप्स दिए गए हैं जिसे हम ब्लोटवेयर भी कहते हैं। इनमें से कुछ को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो लेकिन इसमें से कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जिनको आप डेफिनेटली यूज नहीं करने वाले हो। जैसे गैलरी के लिए दो एप्लीकेशन है, एक रियलमी की फोटोज और एक गूगल की फोटोज।
दोनों एप्लीकेशंस का एक ही काम है, तो बाय चांस आप इनमें से किसी एक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल या डिसेबल करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। और यही सेम सिचुएशन फाइल मैनेजर के साथ भी है। बाकी अगर आपको रियलमी में कैलकुलेटर यूज करना है तो आपको अपनी जायदाद रियलमी के नाम करनी होगी। मजाक था भाई मजाक। मेरा मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बाकी इसमें गूगल डायलर मिलता है तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो सामने वाला आपको बोलेगा क्या बात है सर। बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल मेन, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। बाकी 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है। सबसे पहले सेल्फी की बात कर लेते हैं। फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग होती है 30 FPS पे। वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि डायनेमिक रेंज काफी ज्यादा पुअर है। सेल्फी में कोई भी EIS नहीं है तो वीडियो अनस्टेबल आती है, लेकिन इसमें डिटेल्स अच्छी खासी मिल जाती है। और वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं जिससे वीडियो आउटपुट अच्छा लगता है। पिक्चर्स में भी वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं जिससे पिक्चर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन पिक्चर्स में डिटेल्स कम मिलती है वीडियो के कंपैरिजन में। बैक कैमरा से भी ओनली फुल HD रेजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्ड होती है। डायनेमिक रेंज ठीक ठाक है, डिटेल्स थोड़ी कम है, लेकिन बैक कैमरा से वीडियो काफी ज्यादा स्टेबल आती है। पिक्चर्स की बात करें तो नॉर्मल क्लिक्स में कुछ हद तक नेचुरल कलर्स मिलते हैं, डिटेल्स इसमें भी कम है। बाकी 48 मेगापिक्सल शॉट्स में अच्छी डिटेल्स मिलती हैं, पर इसमें कलर्स के साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन आई कैची कलर्स मिलते हैं जिससे पिक्चर्स काफी वाइब्रेंट आती है। पिक्चर्स में अप टू 5 टाइम्स डिजिटल जूम सपोर्ट मिलता है जिसमें डिटेल्स काफी कम हो जाती हैं। पोर्ट्रेट्स में कहीं कहीं अच्छा ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ब्लर इफेक्ट अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाता। अब बात आती है कि 16,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे आपको ये फोन कंसीडर करना चाहिए या नहीं। डिजाइन की बात करें तो Realme 8 सीरीज के कंपैरिजन में Realme 9 5G में आपको सिर्फ नए कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। बाकी फ्रेम और बैक पैनल Realme 8 सीरीज से रिजेंबल करता है, तो कलर्स के अलावा डिजाइन में कुछ नया नहीं है। फोन की बैटरी लाइफ अच्छी है, लेकिन बॉक्स में 33 वाट फास्ट चार्जर मिलता तो बेटर होता। डिस्प्ले को लेकर कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले में अच्छी डिटेल्स मिलती है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है जो आउटडोर यूज में भी अच्छा परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस को मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर रखूंगा क्योंकि डे टू डे यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें आप ओनली 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम और UI को डाउनसाइड कहूंगा क्योंकि ये फोन करंटली Android 11 पे ही रन कर रहा है और इस UI में कुछ ज्यादा ही ब्लोटवेयर मिलता है। कैमरा एवरेजली परफॉर्म करता है, मतलब 48 मेगापिक्सल कैमरा बस अपना कैमरा होने का पर्पस सॉल्व करता है, लेकिन 16,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता। बाकी अगर Realme 9 5G में Realme 8 का 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर मिलता तो डेफिनेटली बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती। बेटर डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के लिए आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन Realme 9 5G के बारे में। आई होप Realme 9 5G से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।